वो हमको समझनी चाहिए कि मौला ने फरमाया कि अकल वालो मान सकते कि कैसे कि इंसान एक मस्जिद अकल वालो मान सकते कि कैसे कि इंसान एक मोती की सारा नर्सा ने बराबर उड़ते तो इंसान देखो रूहानी अकल जो है और हमारी अकल में कितना फर्क है। हमको जो मौला ने ये इंसानी जन्म दिया बचपन धर्म दिया हमको इसमें आजम भी मिला रूहानी इलम भी मिला। अब मौला फरमाते हैं हमको तो इंसान एक मोटी चीज को मुरीद को फरमाते हैं इसीलिए कि हमारे पास सब कुछ मौला के मुख में दर्शन देते हैं मौला की रहमत से तीन वक्त की दुआ हम पढ़ते हैं नूर के घर में जाकर इबादत हम करते हैं तो इसके लिए जो हमको हकीकत मिलती है अगर ये हमें मिले तो हमारी आंख खुल जाए। तो यही बात मौला ने फरमाई कि हम जो फरमान के लिए मुंह खोलते हैं तब मोतियों के ढेर देते हैं मोतियों के ढेर। ये फरमान है इसको समझने के लिए हमारी जो अकल है ना अंदर की वो खुलनी चाहिए। वो क्या है कि ये कौन से मोती के ढेर जब आप फरमान को अंदर लेंगे फरमान को अंदर लेंगे एक ये पैराग्राफ को आप देखो बराबर तोलो एक पैराग्राफ को एक बखत नहीं एक सौ दफा बोलो ऐसा बोलो ऐसा दिल से बोलो कि आपकी अंदर की जो आंख है और कान है वो देखे और उसको सुन ले। तो क्या देखे कि मोतियों के ढेर देते यानी क्या कि नूर का बारिश हमारे अंदर आता है। मौला के प्यारे नाम को मौला ने फरमाया कि हम जब वो फरमान के लिए मुंह खोलते हैं तो मोतियों के ढेर लगा देते हैं। अब हम अपनी अपनी अकल से अपनी समझ से हम सोचेंगे कि ये मोती के ढेर कौन से हैं ये कौन से मोती होंगे तो शायद हम दुनिया के मोती का तोल लगाएं कि दुनिया में सच्चे मोती होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं तो ऐसे मोती हैं ये तो दुनिया के मोती हैं ये भी खास है ये भी मिट्टी में से पैदा हुए हैं सिख में से दरिया में से पानी में से सबसे मोती निकलते हैं तो ये कौन से मोती हैं ये वो मोती हैं कि इमाम जो है मुस्तफा अली जो है दीन दुनिया का जो मालिक है मौला उसके मुख में से जो हकीकत निकलती है वो नूर की रोशनी होती है नूर की रोशनी होती है और नूर की रोशनी के पास आपको जल्दी जाना है आपको शॉर्ट रास्ता आपको कहां से मिलेगा आप इबादत से भी जल्दी मौला के नूर को नजदीक हो सकते हैं वो ये है कि मौला का रूहानी इलम आप ध्यान से पढ़ें ध्यान से पढ़ें एकाग्रता से पढ़ें। जब ये फरमान जिस तरह मौला ने कहा मेरे फरमान तुम्हारे रूह को पहुंचाओ ये बड़ी चीज है। अकल वाला आदमी होगा वो कहेगा कि इंसान एक बड़ी चीज है। अभी अकल वाला कौन है दुनिया में तो बहुत अकलमंद है
दुनियावी नॉलेज रखने वाले बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े आलिम हैं बड़ी बड़ी चीजें रखते हैं कौन अकल वाला है इसमें। तो मौला ने अकलमंद किसको कहा कि तुम्हारा माना तुम्हारा करता वधारे अकल वाला आता थे हमारे रस्ते चले निकाल मंसूर चाले। इतने दुनिया में पीर और पैगंबर हो गए इतने बड़े बड़े दुनिया में फिलोसोफर और साइंटिस्ट है किसी का नाम नहीं लिया मौला ने मंसूर का क्यों लिया। जो तुम्हारा माना तुम्हारा करता वधारे अकल वाला आता थे वो हमारे रस्ते चाले निकाल मंसूर चाहिए। मंसूर ना माटे बेस्ट मौजूद थी पर कहते हो कि खाली बेस्ट तुम्हारे में तो જ્યાં સુધી મગજ ને ચાચી છે ત્યાં સુધી પાછળ નહીં વળું આગળ વધી રૂની જે અસલ ઉમેશ છે તે બીજો જોવો મનસૂર કો ઇતના અકલમંદ મૌલા ને કહા વો ક્યું કહા કે મનસૂર ને મૌલા કે ફરમાન કો ઇસ તરહ દેખા ઇસ મોતિયો કો ઇસ તરહ દેખા ऐसा लगा कि मौला जब फरमान करते हैं तो मैं नूर के समंदर में जा रहा हूं नूर के समंदर में जा रहा हूं। क्यों कि इमाम है उसकी मिसाल नूर के जैसी है इमाम है दुनिया में ये नूर की तरह सारी दुनिया में रोशन है। जो इमाम की हकीकत को लेते हैं उनको इमाम नूर की बारिश देते हैं। मौला ने फरमाया देखो तुम्हारा सीधा रास्ता जो है ना तुम्हारा तुमको जाना है सातवें आसमान पर तो तुम्हारा सीधा रास्ता जो है वो सातवें आसमान पर है। अभी किस तरह मौला फरमाते हैं कि सातवें आसमान कहाँ है तमें तुम्हारो सीधो रस्तो छो दो તમારો સુકો રસ્તો સાતમા આસમાન ઉપર છે જયારે તમે ત્યાં પહોંચશો ત્યારે તમારું દિલ પણ તમને ખાતરી આપશે એ મરને કે બાદ નહીં મર જતા તો દિલ ક્યાં ખાતરી દેગા આપી હયાતી મેં આપ સાતમે આસમાન પર જબ જાયંગે તો આપકા દિલ આપકો ખાતરી દેગા કે મેં સાતમે આસમાન પર હું और ये हुक्म है जिस तरह मौलाना फरमान मौला के फरमान से हम दुआ पढ़ते हैं हुक्म है दसों मौला की देते हैं ये भी हुक्म इस तरह हम बैतुल ख्याल में इबादत लेते हैं और इबादत करने के लिए जाते हैं ये भी हुक्म है तो ये भी तो हुक्म है मौला का हुक्म है किसी इंसान की किसी बड़े आदमी की किसी भगत की बात नहीं किसी पीर की बात नहीं है किसी पैगंबर की बात नहीं मौला की कुछ खुदा उन आदमी की बात है कि मैं आपको बताता हूं कि सीधा रास्ता आपके पास कहाँ है और आप सीधे रस्ते पे आ सकते हैं साथ में आसमान से तमें तमारो सुखो रस्तो से दो तमारो सुखो रस्तो साथ में आसमान करते જ્યારે તમે ત્યાં પહોંચશો ત્યારે તમને સુખી જમીન મળશે અને તમારો દિલ પણ ખાતરી આપશે। इमाम की वाणी है इमाम के बोल हैं ये सच्चे हैं लेकिन हम इमाम से सच्चे हो जा रहे फिर असम कभी दिन माओ फरमाते थे सतपंथ का चो रिक्षिया खोटा आचार्य जी सतपंथ का चो रिक्षिया खोटा वैसे कोटा ने खोट अगर कहना नहीं मानेंगे हकीकत को नहीं लेंगे तो नुकसान किसका है हमारा नुकसान ऐसा जन्म ऐसा धर्म ऐसा मौला ऐसा इलम ऐसी नूर की बारिश कोई जन्म में मिल सकती है। तो मौला ने फरमाया कि तुम शुक्राना अदा करो कि तुम्हारा सत्तम दिन में जन्म हुआ है तुम ये खुदा मुंताला से बड़ा शुक्राने की ये दुआएं मांगो कि आपको मौला ने सत्तम में यानी नूर में जन्म दिया અને અમારો મઝહબ મગજથી ભરપૂર છે ને તેમાં નૂર ભરેલું છે દુનિયાથી મોગત દિન નથી નીકળે તો અમકો નૂર દીખને આવે ને
मौला तो नूर की बारिश बरसाते हैं और नूर दिखाते हैं कि देखो मैं क्या हूँ, लेकिन हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है। जिस तरह ये दो मिसालें दी कि ये मधमाखी का पूरा है, ये औलाद बच्चे दौलत के अंदर इंसान इतनी मिठास में पड़ा हुआ है कि उसको जो है ये दिखता नहीं है कि मैं इस दुनिया की मेरी जिंदगी पूरी होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं, जीठा मरना सब जीत मरे, साचा न मरे कोई, घूर गिना में जे मरे तो से बोर मरना ना हो। ऐसे मरना तो कई दफा हो गया, कितने दफा मरे हैं, कितने दफा जन्मे हैं, लेकिन आप बिना इलम में क्यों नहीं मरते हैं, इलम के अंदर फना क्यों नहीं होते हैं। आपका ऐसे दिल और मोहब्बत के चाहना से आपने मौला के फरमान को नहीं पढ़ा। मौला ने फरमाया कि मौला मुर्तजा अली है ये इलम का दरिया, इसमें से एक चांस भर के भी कोई ले जाता है ना तो वो भी मालोमाल हो जाता है। इलम मर्तबा दरिया के साथ मौला मुर्तजा अली कला में फरमाते हैं, इलम मर्तबा दरिया जैसा जिसका वान वान कि ये फरमान फरमान जो मोतियों, मौला फरमाते हैं कि हम फरमान फरमाते हैं तो मोतियों के ढेर देते हैं तो ये कौन से मोती हैं। ये नूर का दरिया है और नूर के दरिया में नूरानी मोती हैं। जब आंख खुल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अंदर की आंख भी है और कान भी है। मौला ने फरमाया कि आपकी दुनिया ने इज्जत की दूर रहे वो रोजो राखे तेरे बातें नहीं आंख अने कान के देखे। अंदर हमारे दिल की आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, लेकिन जब तक मुंह से जाता नहीं है तो रूह तक फरमान जाता नहीं। आंख सुनकर यहां से निकाल देते। इलम मर्तबा दरिया जैसा जिसका वार न पार बहुत गहरा है, बेहद ऊंधा इसमें चीजा भरी है अनंत पार, जो कोई इसमें घोषा था वो जो इसमें आवे जो उसने देखे अपने आप को देखो वो उसमें फना होता या नहीं, जो कोई इसमें गोसा खा ले आप फलना हो जाए। फरमान एकाग्रता से ध्यान से पढ़े तो फरमान में फलना हो जाए। बहुत गहरा है बेहद उमदा इसमें चीजा भरी है अनंत पा, जो कोई इसमें गोसा खा ले आप फलना हो जाए तो ये अपना अमूलक साइन मोती कर जाए। मोमिन में दिल से खुदावन ताला में जब कहाँ है खुदावन ताला का घर, कहीं दूर है कहाँ मक्के मदीने में है या कहीं जंगल पहाड़ों में है, कहाँ है। तो दिल में देवल पूजिए, दिल में देव दुआ, दिल में साया आपे वसे, दिल में आपे पूजा। दिल है ये तो जमा खाना है, पहले गत है फिर गत है, सारी जिंदगी गत में जाते रहे गत में कभी जाएंगे, अपने अंदर के जमातन में कभी जाएंगे। दीदार तो दिल में है, तो दीदार आपको करना है तो दिल के अंदर जाना पड़ेगा ना, बाहर बैठे बैठे दीदार होगा। एक जमातन में मौला के जाए कि दीदार हो रहे और हम जाके बाहर बैठ जा रहे तो हमारे को दीदार रहेंगे। जमात खाने में मौला बैठे हैं तो जमात खाने के अंदर जाना पड़ेगा तब आपको दीदार मिलेगा। तो ये इसीलिए इलम जो है ये समझाता है कि दिल में देवल पूजिए, दिल में देव द्वार, दिल में साया आपे वैसे, दिल में आपके दीदार। हकीकत को समझो और ये जरूरी है कि तीन वक्त की दुआ दसों और आपकी इबादत बराबर होनी चाहिए, इसके बाद आपके रूह का जो ज्ञान है इलम में जाएगा और फिर फना हो सकेगा। तो मौला फरमाते हैं कि हम फरमान के लिए मुंह खोलते हैं उस वक्त मोती के ढेर देते हैं, मोती के ढेर देते हैं,
एक फरमान आपके दिल से ये अंदर से उभरा तो आप समझो कि नूरानी दरिया के पास आप चले गए। सिर्फ दरिया को देख के खुश होते हैं, सिर्फ मौला को देख के खुश होते हैं, फरमान को सुनकर खुश होते हैं, लेकिन फरमान पर चलते नहीं, फरमान पर चलते नहीं। जाजो जाजो समूह दरिया की लय, इस समझ में क्या आप जाओ नूर के दरिया के अंदर, ऐसा गहरा दरिया है कि सिर्फ किनारे पे तो खड़े खड़े चले नहीं आओ, किनारे पे तो तुमको दरिया की ठंडी हवा मिलेगी लेकिन उसके अंदर की लिजत है वो नहीं मिलेगी। जाजो जाजो समुंदरिया की लहर मारा मनला मानेला मोती लाओ, जो कि बहुत गहराई के अंदर जाओगे तो आपको नूरानी दरिया मिलेगा। इस तरह मूसा पैगंबर, उनके पास इलम बहुत था, 40 फूट बड़ा के थे और इतना इलम था कि 70,000 शहजादे सुनने के लिए आते थे, हिम्मत अलग। वो समझते थे मूसा पैगंबर के मेरे पास बहुत इलम, लेकिन अभी रूहानी इलम तो था नहीं। मौला की वही नाजल हुई, जाए मूसा आप इलम सीखने के लिए दरिया में जाएं और सूखी मछली हाथ में ले जाएं, देखो रूहानी इलम का मौजूदा क्या है, फरमान का मुस्तफा अली के इलम में कितनी ताकत है तुमको बताऊं। ये दरिया के पानी की खुशबू से मछली जिंदा होगी और ये मछली तुमको अंदर ले जाएगी। ये मिसाल देने की मतलब क्या है, मूसा पैगंबर को तो 2000 साल हो गए, कि आप जाओ अपना ये रूह जो सूखा हुआ है वो इसको जो इसकी खुशबू दो रूहानी इलम की फरमान की, इससे ये जिंदा होगा और आपको अंदर ले जाए। मूसा पैगंबर कितनी मछली लेके गए, कौन सा इलम नहीं था जो मूसा पैगंबर को हुक्म हुआ, रूहानी इलम नहीं था। मौलाना रूमी के पास कौन सा इलम नहीं था, बहुत से शागिर्द आते थे, बड़ा आलिम था, लेकिन शेख तबरेज ने कहा कि ये तो सब किलो काल है, किताबों का इलम है, रूहानी इलम नहीं है, रूहानी किताब नहीं तेरे पास। जब रूहानी इलम मिला तो मौलाना रूमी दीवाना हो गए संत तबरेज से। मौलाना रूमी को तो मौला का एक रूहानी फर्जंद मिला जिससे उसका पलटा हो गया। हमको तो खुद मौला खुद हमारे रूह के लिए ये हकीकत देते हैं, लेकिन फरमान हम कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बहुत गहरा है, बेहद ऊंडा, इसमें चीजा भरी है अनंत पा, जो कोई इसमें गोठा खा रही जो इसमें डूबे वो क्या लाएगा, अपना मुर्तजा अली को अपने मौला को अपने खुदा को वो ऊपर ले आया, अपना अमूलक साइन मोती ऊपर ले आया। ये हकीकत इस इलम में, एक फरमान आपने बोला आपके दिल के अंदर और ये सामने नूर का दरिया आया, नूर का दरिया आया। जब नूर का दरिया आया आपके अंदर की आंख खुली तो फिर तो आप बेअकल नहीं होंगे, अकलमंद हो जाएंगे, लेकिन नहीं खुली है तो मौलाना फरमाए तुम नादान हो। ईसा पैगंबर दाना थे, तुम नादान हो। ईसा पैगंबर नादान पा सके नाची गया था, सेवा तुम्हें नादान आओ तो मोती ना डगला माफी फायदे माफी को तुम ऐसे नादान रह जाओगे। दुनिया को हम बड़ी समझते हैं, दुनिया को सब कुछ समझते हैं, इसीलिए हम रूहानी को तोड़ देते हैं। दुनिया बड़ी नहीं है, दुनिया तो खास है, दुनिया सब दूल है, दुनिया का मालो गाज ये भी है दूल, इस दूल को तुम सोना रूपा देखो, इसको तुम सोना रूपा सब हकीकत समझते हो, तेरे देखने में पड़ी होती एक दूल है, ये एक दूल जन्म मरण में ले जाती, एक भूल हमारी रूहानी इलम में मौला ने इशारे से फरमाया
तो ये भूल निकल जाए कि दीन बड़ा है, इस तरह दुनिया का लफ्ज भी तीन है और दीन में दो लफ्ज हैं, दो अर्थ है, दुनिया होती है दुनिया और दीन। लफ्ज भी हमको ज्यादा दिखते हैं लेकिन ये तीन लफ्ज है ये खास, दो लफ्ज है ये दीन का, ये दीन को उठाएंगे तो एम पूरा नहीं होगा, इससे छेड़ा नहीं है, इतनी इतनी हकीकत है। तो मौलाना फरमाया कि ये जो गरीब है वो इबादत है जो उसको चुराती है, गरीब उसको चुराता है, इस तरह दुनिया में इबादत करने वाले बहुत कम है। जो इबादत नहीं करता है उससे पुछाना लिया जाएगा कि आपने इबादत क्यों नहीं की, आपके रूह का खुराक था ये, आपको तो उड़ाने की ये चीज थी, आपको रूहानी मिलने की चीज थी, आपने नहीं की। तो रोजे कयामत ना जी सेवा मांगो ने जन्म मनाफा मांगते कि जो वो इबादत बंदगी करी नहीं है, ऐसे इंसान को बड़े दुख में जाना पड़ेगा और उसको इतना अफसोस होगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि उसको पता चलेगा कि दिल सुख कारण तेरी काया विचलाने वे रखती, अगर दुख दोहेला मेरी समान, एक दुनिया का अगर बादशाह होवे और सब उसके पास आकाश होवे सब सुख होवे, इसको तिल बाबा फरमा देंगे ये एक तिल जितना भी सुख नहीं है, एक तिल जितना रूहानियत का जो सुख और रूहानियत की जो हकीकत है वो इतनी बड़ी है कि उसके सामने एक तिल भी नहीं है। इस तिल सुख के लिए, इस तिल सुख के लिए तुमने अपना जन्म पूरा दे दिया, तिल सुख कारण तेरी काया विस्लामी अद्भुत आगर दुख दे फिर आगे बहुत दुख होते हैं, बहुत दुख होते हैं। तो इल्म है वो हमको समझाता है कि हम रॉन्ग हैं या राइट। तो मौलाना फरमाए तमें तमारो सुखो रखो से तो तमारो सुखो रखो सातमा आसमान को से कहाँ है, सातमा आसमान, सातमा आसमान कहाँ है कि जहाँ हमारा दिल हमको गवाही दे। तो मौलाना फरमाया कि मोमन नो दिल से तो खुदावन ताला मंजर, ये मोमन का दिल है ना, ये सातमा आसमान। मोमिन कैसा होता है इसकी मिसाल होगी कि दुनिया में चार तरीका ना मानते थे। पहला तरीका ना मान तो हमने क्या है कि दुनिया में नक्सी चाहता है, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, वो मेरे मेरे को याद करता है, मेरे से प्यार करता है, मेरे से मोहब्बत रखता है, उसकी दुनिया के लिए उसके पास मोहब्बत ही नहीं है। कि हकीकत जो है औलाद स्त्री कैसा पैसा ऊपर भी होते थे परंतु खुदावन ताला ऊपर है। जेम जेम मोमन वधारे ने वधारे मोहब्बत राखे के तेम तेम से खुदावन ताला ने वधारे नजदीक करते जाए। जैसे जाहिर मैंने मौला को मिलने के लिए बहुत नजदीक होता है, शहर में चले जाता है, ऐसा नहीं, अपने दिल में मौला को वो करीब होता है। तेम तेम से वधारे ने वधारे नजदीक करते जाए के क्या खुदा ने पट तक जुड़े वो बराबर देखता। तो किसको अकलमंद मौला ने कहा कि तुम्हारा माथी तुम्हारा करता वधारे अकल वाला आता कि हमारे रस्ते कह रहे मिसाल मंसूर चालू मंसूर अहमद देश मौजूद होती दुनिया की बादशाहियों से तो देश में ज्यादा सुख है लेकिन देश के कदमों में थी। क्यों? के देश के बनाने वाला उसके दिल में बैठा हुआ था। देश के बनाने वाला मौला ने फरमाया एक तरफ आखिर दुनिया ने माला ने दूसरी तरफ इबादत, एक तरफ दुनिया को पैदा करने वाला दुनिया बना दी है ये सारी दुनिया है, एक तरफ खुद मौला बैठा हुआ है इबादत में जिसको आप चाहते हो। एक तरफ आखिर दुनिया ने माल दूसरी तरफ इबादत,
तो पर इबादत में वजन जरूर दुनिया तो मौला ने पैदा की है तो आपको दुनिया अच्छी लगती है जो मौला ने अपने हुक्म से पैदा किया है जो खास है जो दूल है तो आपको कौन अच्छा लगता है तो मौला ने फरमाया पहले तरीके के लोग जो हैं वो दुनिया को देखते भी नहीं का मतलब ये नहीं कि दुनिया में नहीं रहते हैं चलते फिरते नहीं काम नहीं करते हैं धंधा नहीं करते बिजनेस सब करते हैं 30-40 दिन माँ बाप के घर से बच्चे से औलाद के लिए दूसरा फिर अपन गरीब इनके भी बच्चे से और मंसूर की दुनिया के अंदर वो भी उनके भी बच्चे थे बीवी थी सब थे पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया के अंदर काम करते थे हज़रत ईसा के भी थे सच्चे थे लेकिन उनको मौला ने अकलमंद क्यों कहा उसने अपनी अकल से कोई काम नहीं किया सब मौला की अकल से काम किया मौला ने जिस तरह कहा ऐसा किया जो त्याग सोचा कि वो हमारे रास्ते चल गया तो मेरे कहने से चले तो उनके दिल में ये नूर का दरिया रोशन हो गया ये हकीकत जो है तो मौलाना फरमाया कि ये सातवां आसमान का मोमिन का दिल है ये खुदावन ताला का घर है अगर हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत निकल जाए तो हमारा दिल हमको गवाही दे कि हाँ हम सातवें आसमान पर है जब तक दुनिया की मोहब्बत है तब तक सातवें आसमान पे नहीं आ सकते तब तक रूह कैद खाने में तो नहीं निकल सकते आंख कान नाक मौजू सर्वे पास हुए चाहे रूह ऊपर चलिए आंख से उसको दुनिया नजर नहीं आती है भाई हो बच्चा हो बुजुर्ग हो बड़ा हो बूढ़ा हो तो भी सामने अपना रूह दिखता है सामने भी रूह दिखता है तो ये भी अपने जीव के लिए आया मैं भी अपने जीव के लिए आया माँ माँ के लिए आई बाप बाप के लिए आया भाई भाई के लिए आया औरत के लिए आया मर्द मर्द के लिए आया लेकिन हमारे को इलम नहीं होने से मौला ने फरमाया कि तमें पुत्र कुटुम तेना पुत्र तेमा तमें एवा फसाया चो एवा लोभाया चो कि कापे हुई पान वाला पंखी नहीं गया हमें तमें उड़ी नहीं क्या कर कि माँ बच्चे में बच्चा माँ में बेटा बाप में बेबाज में बाप बेटे में एक दूसरे में हम फंसे हुए उनकी मोहब्बत हमारे दिल में इतनी है कि खुदा न खास हमारे बच्चे की जरा कुछ तकलीफ होती है तो हम हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं क्यों इतनी मोहब्बत है ना कोई तकलीफ आती है या कुछ आता है तो हमारे आंखों में पड़ोसी का बच्चा बीमार है कुछ भी हो गया हमको डर नहीं होता है क्योंकि उसके लिए मोहब्बत नहीं हमारे बच्चे के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है ये मोहब्बत जो है ना ये हम लोगों को दुनिया में गिरफ्तार करते हैं तो नजर आवे तो हकीकत पैदा होवे ये इलम है ये इसमें नूरानी रोशनी है फरमान हमको क्यों नजर में नहीं आती हम भी फरमान बोलते हैं इसीलिए नहीं आती है कि हम माया में डूबे हुए अगर हम माया से निकल जाए तो हमको इसमें रोशनी नजर आए और जब रोशनी नजर आवे तो हमारे अंदर इश्क पैदा हो रूहानी मौला ने फरमाया कि जो रूहानी इश्क रखते थे फिर खुदा पर जो रूहानी इश्क रखते थे फिर खुदा पर वो रूहानी इश्क कौन सा है वो ऐसा है कि सिर्फ हीरो ने फरमाया कि क्षण एक जो पाई प्रेम के इजाज वसम दर एक पल मां सरज मृत में पाताल तो जब ये आंख खुल जाए तो इसकी एक कतरा एक
क्षण भी अगर हमारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो मोहब्बत ऐसी है कि तीन चीज को जला देती है, देश के सुख को, मृत और पाताल, तीनों को दिल में से जला देती है एक पल में। क्षण एक जो बाइए प्रेम के रिजाल बसन कर एक पल मां सरस मृत में पाताल, तीन चीज को जला देती, वो हकीकत उसके अंदर रोशन होती। इसलिए मौलाना फरमाया कि तमारो इश्क के वो हो जेम बेबान हरण मां कोई कस्यो पानी माटे तलब करे छे ए फरमाए तमारा रू ने इमाम नो इश्क हो। इमाम ना बदन ऊपर नहीं पर इमाम ना रू ऊपर इश्क हो। ये रूहानी इश्क राखे थे तो खुदा पर रखे तो ये फरमान मैंने जो पढ़ा इसके ऊपर जो हमने बोला वो यही है कि ये तीन किस्म के आदमी हैं, इसमें से जो गरीब है मौला ने फरमाया वो इबादत है। मुझे जो थोड़ा पैसा वालों से तो पेलो घना पैसा वाला न त्या जाए थे तो पेला तेनी खातर बर्दाश्त नहीं करे अलबत्ता थोड़ी करे। जारे गरीब पैसा वाला त्या जाए थे त्यारे